कि ये हम आपको पहला पूल दिखा रहे हैं और ये पूल जो है वो बच्चों का पूल है और यहाँ सब लोग बच्चों के साथ, मदर फादर अपने बच्चों के साथ हैं। बेहतरीन बेहतरीन और पानी भी बहुत ज़बरदस्त है। वाइल्ड वेंचर का रिव्यू दिया जा रहा है, वहाँ भी छोटा सा पूल है, वहाँ भी पूल दिख रहा है, यहाँ भी पूल दिख रहा है। वो बड़ी सी जो है वो यहाँ नहर जा रही है, बड़ी सी नहर जा रही है। सब जगह इंशाल्लाह आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। वो बिग साइज जो बिग जो है वो स्लाइड्स हैं सारी बड़ों के लिए। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बेहतरीन है। बस रश बहुत ज़्यादा है। हाँ, ओ रश बहुत ज़्यादा है। सैटरडे संडे बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो सबको पता है कि रश बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ देखकर आएं, जो भी आना है वो सब देखकर आएं कि भाई रश बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल जो अनदर वो हैं वाटर पार्क्स हैं फीस्टा वगैरह, उनके लिहाज से रश बहुत ज़्यादा है। तो बस अब ये रिव्यू जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको रिव्यू मिलता जाएगा। अभी हम जा रहे हैं पानी में और हम वेट नहीं करते क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो ये बेहतरीन जो है वो इस तरीके से ट्यूब में पानी आ रहा है, ये है। और 1000 टिकट है इसका पर हेड। और अब हम वो बिग स्लाइड्स दिख रही होंगी, ये बिग स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह इसमें भी जाएंगे। और उसके बराबर में जो आपको ये दिख रहा है पर्पल और जो ऑरेंज था, ये बोर्ड के साथ आता है। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। सेफू, सेफान बहन का ख्याल रखिएगा। सफा, तो ठंडा ही होता है पानी, गर्म नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ हो रही है वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ जो है वो हम स्लाइड कर रहे थे। मैं अपने भाई के साथ स्लाइड कर रही थी और ये इतनी डेंजरस स्लाइड थी, हमें बस एक फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट करना था, फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट था, हमें सिर्फ एक दफ़ा अटैम्प्ट ही करना था कि ये किस तरीके की है। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा जो आपको दिख रहा है। और यहाँ जो है हमारा मेन्यू था, बिरयानी थी, साथ में जो है कढ़ाई थी। और हम लोग वन डिश पार्टी करते हैं तो सब बना के लाते हैं, ऐसे किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ता है और हमारे पास आइटम्स भी अच्छे हो जाते हैं। और ये कबाब थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, चिप्स थी, डबल रोटी थी और कोल्ड ड्रिंक थी, और ये मैं कढ़ाई बना के लेके गई थी। तो बहुत मज़ा आया था, खूब खाया पिया इन्जॉय किया। और मौसम भी उस वक्त थोड़ा गर्म था तो इसलिए और अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है तो अब जो है इन्जॉय करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बस हम लोग ये खा पी रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे और बस ये एंडिंग चल रही थी, टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था इस वजह से। और इतना अच्छा था सब, इन्जॉय हमने बहुत किया। आप लोग भी जाइए वाइल्ड वेंचर, इन्जॉय करें। और मैं अब मज़ीद जो है वो आगे की चीज़ें दिखा रही हूँ कि आगे कौन कौन से पूल्स हैं। लेडीज़ का अलग पूल था, जेंट्स का अलग पूल था, शॉवर्स अलग थे, बच्चों का अलग था। तो उससे बड़ा ज़बरदस्त रहा, यहाँ सारे हर्ट हैं, ये हर्ट आपको दिख रहा है, आप आराम से जो है उस पर बैठिए। लेकिन हमें नहीं मिला था, हमें नीचे बैठना पड़ा क्योंकि हद से ज़्यादा रश था और इस वजह से जो है हमें नीचे बैठना पड़ा। बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी जिस तरीके से आपको दिख रहा है। और जिस नहर की मैं बात कर रही थी, इसको आप छोटा सा क्या बोलेंगे, नहर टाइप की बनी हुई है, ये पूरी दूर तक बनी हुई है। तो इसमें भी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और पानी इसका, किसी भी पूल का पानी इतना डीप नहीं था कि कोई डूब जाए। हाँ, छोटे बच्चे हों तो उनका मसला हो सकता है, लेकिन ये कि जो है वो बड़े लोग जो हैं वो कोई भी इतना डीपेस्ट नहीं था, तो जिसमें जो है वो कोई भी मिसहैप हो सकता है या कोई भी जो है वो ख़राब वाकया पेश आ सकता हो। तो यहाँ जो है हम मूव कर रहे थे आगे जिस तरीके से आपको दिख रहा है। और अभी हम लोग जा रहे थे लेडीज़ में, जो लेडीज़ और किड्स का जो पोर्शन था वो दिखा रहे हैं। बीच बीच में भी छोटी छोटी स्लाइड्स बनी हुई थी जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। हमने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी, हमने सारी स्लाइड्स को इंजॉय किया। तो बस ये जो है हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे ये। और अभी आप लोग के साथ हम मूव फॉरवर्ड हो रहे थे बच्चों के पूल की तरफ। सीरियसली एक बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर है, एंटरटेनमेंट है। और 1000 पर हेड में
कुछ भी इसमें जो ऐसा नहीं है जो आपको लॉस लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी जगह हैं और भी बहुत सारी जिसमें आप अच्छी तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं। असल में रश तो था लेकिन हमें इन्जॉयमेंट जो हमारी ज़्यादा इसी वजह से हुई है कि रश में ही ज़्यादा मज़ा आया। अब बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा रश था जब हम लोग गए थे। जिस तरीके से आपको दिख रहा है काफ़ी क्राउडेड था ये, और बाकी जितने भी वाटर पार्क्स हैं उनके जो रेट हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो आपको यहाँ से वेव्स पूल नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है जो फीसरा में। छोटे पूल्स भी जगह जगह बने हुए, जिस तरीके से अभी एक राउंड है। तो अभी हम लोग जो है वो लेडीज़ पोर्शन में जा रहे हैं, स्पेशल लेडीज़ पोर्शन में जो सिर्फ लेडीज़ और किड्स का है, जिसके चारों तरफ जो है वो बैरियर्स लगाए हुए थे ताकि पर्दे का भी इंतज़ाम रहे। और ये बहुत हमारे ज़बरदस्त जो है वो बलोची भाई डांस कर रहे थे, मैंने कहा इसका भी क्लिप बना लेते हैं, इसका क्लिप भी मैंने डाल दिया। मुझे यहाँ म्यूट करना पड़ा इसलिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, सॉन्ग्स अलाउ नहीं होते वीडियोस में। लेकिन ये बहुत मज़ेदार डांस कर रहे थे और अपने बलोची गाने पे ही डांस कर रहे थे, तो उसके मूव से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि ये जो है वो बलोची जो है वो डांस हो रहा है। तो ये क्लिप भी जो है वो एड ऑन हो गया है ताकि व्लॉग में थोड़ा मस्ती आए, व्लॉग में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आए देखने में। तो ये कि प्रॉपर मज़ेदार इंटरटेनमेंट थी। यहाँ शॉवर्स लगे हुए थे, छोटे छोटे फाउंटेन्स थे जो ऑन ऑफ हो रहे थे, जिसकी वजह से बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। जिस तरीके से आपको दिख रहा है अब ये ऑन हो गए हैं, ये ऑफ भी हो जाएंगे, डांसिंग फाउंटेन्स इसको कहते हैं। तो छोटे बच्चों को यहाँ ज़्यादातर पेरेंट्स ने छोड़ा हुआ था ताकि वो पूल में जैसे इंजॉय कर लिया था उन्होंने, तो अब यहाँ के भी इंजॉय कर लें। तो हम लोग भी यहाँ थोड़ी देर खड़े हो गए थे। स्पेशल हम लोगों ने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके देखा क्योंकि टाइम शॉर्ट था काफ़ी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग इन्जॉय कर रहे थे यहाँ जिस तरीके से आपको दिख रहा है डांस में। और फैमिली के साथ इंजॉयमेंट जो है वो इस टाइप की बहुत ज़रूरी, ताकि माइंड भी रिलैक्स हो सके और आप ख़ुद भी रिलैक्स हो सके। और फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है, वन डिश पार्टी भी हो जाती है आपकी और किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो है वो मैं एक्चुअल जो है वो लेडीज़ पोर्शन में आ गई थी। इस तरीके से चार स्लाइड्स दी हुई थी, यहाँ बड़ा सा पूल था, कुछ छोटे पूल्स भी थे बच्चों के लिए, बिग पूल्स भी थे, काफ़ी ज़्यादा पूल्स थे, 3 से 4 पूल्स इसके अंदर थे। और साथ में जो है यहाँ चेंजिंग एरिया भी दिया हुआ था, बाथरूम भी दिया हुआ था, क्योंकि लेडीज़ के साथ आपको पता है बच्चे होते हैं तो बाथरूम वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ स्लाइड कर रही थी मैं, और जिस तरीके से आपको दिख रहा है, और काफ़ी डीप था ये, और यहाँ बच्चों के लिए छोटा जो डीप नहीं था हमने यहाँ बच्चों के लिए, बच्चों को यहाँ छोड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा है वाइल्ड वेंचर, काफ़ी लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ डाले थे, मैंने कहा मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूं कि वाकई रश तो था, बहुत रश था, लेकिन ये कि पानी बहुत साफ़ है और जो है वो पैसों के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। और जब थोड़ा कम रश हो आप जाएँ वहाँ इंजॉय करें। मेरी तरफ़ से तो 10 out of जो है मैं इसको 10 दूँगी, और क्योंकि एक अच्छी सस्ती तफरी है। 1000 आपको पता है आजकल के महंगाई के दौर में 1000 कुछ भी नहीं है, और जब आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे जब भी हम लोगों को कम टाइम मिला। तो बस यहाँ मेरा रिव्यू फिनिश होने पर है, और बाकी सब जगहें भी आप लोगों को दिखा दी हैं, सारी स्लाइड्स दिखा दी, पूल दिखा दिए। और जो भी जो है मेरे व्लॉग को देखें उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि जो है आप लोग भी इस तफरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये मेरी छोटी सी बेटी है, प्यारी सी जो है, इसका स्लोमो बन रहा था, और देखें इतने पूल्स भी थे कि बच्चा जो है उसकी टांगें सिर्फ भीग रही हैं, मतलब इतना ज़्यादा बच्चा डीप वाले भी नहीं थे कि बच्चा नहा ना सके। तो आप आराम से इतने छोटे बच्चों को भी नहला सकते हैं। तो बस ये एंडिंग पे हमारा व्लॉग जा रहा है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो है बस अब दी एंड हो गया था, और ये मैं लास्ट रिव्यू दे रही थी जाते हुए, और ये सब चीज़ें दिख रहा है। बस लोग अब वाइंड अप कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग पॉइंट भी काफ़ी बड़ा है, पार्किंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपको पार्किंग की भी परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो बस ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू, और रिव्यू आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको पसंद कीजिएगा, चैनल को भी पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चों के पूल, बड़ों के पूल, सब कुछ आपको इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट यहाँ मिलेगी। तो बस अब हम जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर की तरफ चलते हैं, और ऐसे ही इंशाल्लाह आपको व्लॉग्स दिखते रहेंगे। शफ़क़ डायरी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ।